हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा BSNL JTO रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2019 में होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे पोस्ट जो निकला हुआ है ग्रेजुएट इंजीनियर जूनियर टेलीकॉम ऑपरेटर JTO रिक्रूटमेंट है। तो दोस्तों, इसका डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या कौन कौन लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितना रहेगा, कौन कौन स्टेट में यहाँ पे एप्लीकेशन होने वाला है, सब कुछ। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पे दिया गया है, एप्लीकेशन डेट शुरू हो गया है 11 फरवरी 2019 और लास्ट डेट है इसका 12 मार्च 2019। और लास्ट डेट के फीस जो एग्ज़ाम फीस है उसको आप दे सकते हैं 12 मार्च 2019, और एग्ज़ाम डेट आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग एप्लीकेशन करेंगे इस पोस्ट के लिए, आपको यहाँ पे जो लोग जनरल और ओबीसी वालों हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा, और जो लोग एससी एसटी है उन लोगों के लिए 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे, आप लोग आपका ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पे निकला हुआ है 198 वैकेंसी है। इसके साथ साथ पोस्ट जो है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर सिविल के जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 132। ओबीसी कैटेगरी के लिए 701 सीट, एससी के लिए 12 सीट, एसटी के लिए 49 सीट, एंड एज लिमिट जो है यहाँ पे 18-30 इयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जीटीओ इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे ओबीसी के लिए 41 सीट है, एससी के लिए 13 एंड एसटी के लिए 12 सीट। यहाँ पे टोटल होता है 66 जो टोटल वैकेंसी है जीटी इलेक्ट्रिकल के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे बीई बीटेक डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया गेट 2019 रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मैं बताऊँगा कि स्टेट वाइज वैकेंसी क्या निकला हुआ है। तो दोस्तों, पहले स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश ईस्ट के लिए सिविल के लिए 3 एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 6, उत्तर प्रदेश वेस्ट के लिए 2 फॉर सिविल एंड 1 फॉर इलेक्ट्रिकल। उसके बाद दोस्तों, बिहार के लिए यहाँ पे निकला हुआ है 3 एंड इलेक्ट्रिकल के 4। तो दोस्तों, इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में जो जो स्टेट यहाँ पे दिया गया है, सबको स्टेट में यहाँ पे आपका जो वैकेंसी निकला है, जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं उन लोग को जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जो लोग एप्लीकेशन करेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसको भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहां पे ख़त्म करता हूं। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड।